गूगल फाइल से किसी भी वीडियो या किसी भी फोटो को सेंड कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इसी वीडियो में जानेंगे कि अपने मोबाइल में गूगल फाइल से कोई भी फोटो या वीडियो को दूसरे मोबाइल में सेंड कैसे कर सकते हैं। जानेंगे पूरी वीडियो डिटेल के साथ में। तो दोस्तों, आप इसी वीडियो को एंड तक देख लेना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो दोस्तों आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पास में बेल आइकन घंटी दिखाई दे रही उस घंटी को भी ऑल पर प्रेस कर देना। उसके बाद गैस आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल फाइल को ओपन कर लेना। जैसे अपने मोबाइल में गूगल फाइल को ओपन करके आपको यहाँ पर नीचे इंटरफेस करके आप अपने मोबाइल में HD कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हो, और अपने मोबाइल की मेमोरी कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा, मैं अपनी फ़ोन की मेमोरी कार्ड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद गैस आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गैस आप अपने मोबाइल में जिस भी फोल्डर से आपने डॉक्यूमेंट के रख रखा होगा उसको आपको ओपन कर लेना। जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, मेरे इस फोल्डर में बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैं किसी को भी सेंड कैसे कर सकता हूँ। तो गैस आपको यहाँ पर थ्री डॉट का बटन दिखाई दे रहा, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा शेयर, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो गैस आपको यहाँ पर नियर बाय शेयर और शेयर मी का आइकन मिल जाएगा। तो गैस आप दोनों तरीके से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जो कर देना, और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।